हेलो फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे है। सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स का हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर शिक्षक हमारे जीवन में नहीं हो तो हम में से किसी का जीवन भी कामयाब नहीं हो पाए। गुरु ईश्वर में हमेशा गुरु के दर्जे को ही प्राथमिकता दी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही एक शिक्षक श्री विजय मिश्रा जी की एक कविता लेकर आई हूँ, जो ईश्वर के साथ साथ गुरुओं को भी सादर समर्पित है। आज से अच्छा अवसर भला इस कविता के लिए कौन सा हो सकता था। हे सनातन, हे चिरंतन, शक्ति दो, समृद्धि दे दो, मैं बनू प्रतिमान तेरा, मुझको ऐसी सिद्धि दे दो। इस कविता में श्री विजय मिश्रा जी ने गुरुओं और ईश्वर दोनों को समकक्ष मानते हुए कहा है कि हे ईश्वर और हे गुरु, आप दोनों ही मनुष्य को तराशते हो और तराश कर उन्हें प्रस्तर से एक महान शिला में परिवर्तित करते हो। हम आपका गुणगान करते हैं, आप हमें भी इतनी शक्ति दीजिए ताकि हम अपने जीवन को समृद्ध बना पाए और सफल बना पाए। अमरता का गान गाऊं, विश्व का मैं ज्ञान पाऊं, स्वयं को मैं खोज पाऊं, आपका श्री ओज पाऊं। यहाँ पर श्री विजय मिश्रा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें इतना ज्ञानी बना दीजिए कि ताकि हम विश्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकें और आपके ओज को भी हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें, ताकि हम अपने हर काम को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। हे पुरातन भक्त वत्सल, स्वस्थ तन मन शुद्धि दे दो। यहाँ पर श्री विजय मिश्रा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ तन मन से हम अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। मनुजता संवेद ना हो, सत्य की संचेत ना हो, आपकी अभिप्रेरणा हो, कभी ना अवहेल ना हो। हे ईश्वर, आप हमें इतना शक्तिशाली बनाइए कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और अपने हर काम को, अपने हर लक्ष्य को सत्य के रास्ते से ही प्राप्त करें। हे दयानिधि, हे निरंजन जगत गुरु, सद्बुद्धि दे दो। विजय मिश्रा जी ने इस अपनी प्रार्थना में एक तरह से ईश्वर और गुरु दोनों को साक्षात मानकर उनसे प्रार्थना की है कि हमारे सभी काम पूर्ण हो जाएं, आप हमारे तन मन को इतना स्वस्थ करें, हम सत्य के मार्ग पर चलें और सदैव अपने हर कर्म को पूरी मेहनत के साथ करते रहें। तो टीचर्स डे के अवसर पर श्री विजय मिश्रा जी की यह प्रार्थना मैंने आप सभी के समक्ष रखी है। श्री विजय मिश्रा जी स्वयं भी एक शिक्षक है। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इससे अच्छी प्रार्थना या इससे अच्छी कविता भला क्या हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रार्थना पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे।